गेम्स और स्टूडेंट्स का बहुत गहरा कनेक्शन है दोस्तों। सुपर मारियो कॉन्ट्रा टेकन 3 बहुत खेला है मैंने दोस्तों, लेकिन वो कॉइन डालने वाली मशीन में नहीं, वहां जाना अपने को अलाउ नहीं था, अपन सीधे साधे बंदे थे। आज एक अविस्मरणीय प्रश्न का उत्तर देने वाला हूं मैं दोस्तों। आप में से ही बहुत सारे लोग मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड हैं जो कि स्टूडेंट्स हैं और मुझसे पूछते हैं कि गेमिंग लैपटॉप उन्हें कॉलेज के लिए लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर आप बीटेक कर रहे हैं, एमटेक कर रहे हैं, आर्किटेक्ट हैं या फिर कुछ ग्राफिक्स से रिलेटेड कोर्स कर रहे हैं और आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन है कि आपको गेमिंग लैपटॉप कॉलेज के लिए लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, कॉलेज में यूज़ करने के लिए गेमिंग लैपटॉप कैसा रहेगा, सो मेरी डेस्क पे एक गेमिंग लैपटॉप अवेलेबल है। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि गेमिंग लैपटॉप कॉलेज के लिए कैसे रहते हैं, ये सारी बातें और क्या क्या आपको दिक्कतें आ सकती हैं, तो इससे रिलेटेड हम सारी बातें करेंगे इस वीडियो में। सो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, भविष्य में आने वाली सभी आशंकाओं और समस्याओं की हम बात करेंगे और हम बताएंगे कि गेमिंग लैपटॉप की केंद्रीय संसाधन इकाई किस तरह से काम करती है। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करिए ताकि आने वाले वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाए, क्योंकि फ्यूचर में भी इसी तरह के टेक्निकल वीडियोस मैं बनाता रहूंगा, आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर करता रहूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले हम गेमिंग लैपटॉप्स की सबसे बड़ी समस्या की बात करेंगे जो किसी भी स्टूडेंट को फेस हो सकती है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप कॉलेज में अपने गेमिंग लैपटॉप को लेकर के जाते हैं, मैं आपको बता दूं कि गेमिंग लैपटॉप्स में जो पावर कंज्यूम्पशन होता है किसी भी नॉर्मल लैपटॉप के कंपैरिजन में वो ज़्यादा होता है, और एक लिमिटेड स्पेस होने की वजह से लैपटॉप में बहुत बड़े साइज़ की बैटरी नहीं लगाई जा सकती, और अगर बड़े साइज़ की बैटरी एक बार को लगा भी दी जाए तो हार्ड डिस्क ड्राइव को वहाँ से रिमूव करना पड़ता है, और क्योंकि लैपटॉप पावर ज़्यादा कंज्यूम करता है जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, तो इस वजह से वो बैटरी बैकअप, अगर आप ज़्यादा पावर की बैटरी भी वहाँ लगा दोगे ज़्यादा कैपेसिटी की, तब भी वो बैटरी बैकअप कोई ऐसा मतलब छप्पर फाड़ आपको प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। तो बड़ी से बड़ी बैटरी लगाने के बाद भी आपको गेमिंग लैपटॉप 4-5 घंटे, बहुत ज़्यादा हो गया तो 6 घंटे का बैटरी बैकअप दे सकता है। वैसे ही पूरी तरह से आपके यूजेस पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपने लैपटॉप को यूज़ कर रहे हैं। गेमिंग लैपटॉप्स का जो सीपीयू होता है वो हायर TDP थर्मल डिज़ाइन पावर पर काम करता है, और इस वजह से वो अपनी क्लॉक स्पीड को बीच बीच में बूस्ट करता रहता है। तो ऐसे में जब वो अपनी क्लॉक स्पीड को बूस्ट करता है तो वहाँ पर पावर ड्रॉ काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, और इस वजह से गेमिंग लैपटॉप बैटरी की पूरी एनर्जी को खींच लेते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार में ही खींच लेंगे, लेकिन यूजेज में जब भी आप कोई काम करोगे, कोई टास्क करोगे, तो गेमिंग लैपटॉप आपको इंस्टेंटली, क्योंकि डेस्कटॉप लेवल परफॉर्मेंस देने की कोशिश करता है, तो इस वजह से पावर काफ़ी ज़्यादा ड्रॉ करता है बैटरी से, और फलस्वरूप आपको बैटरी बैकअप कम प्रोवाइड करता है। किसी भी नॉर्मल लैपटॉप के कंपैरिजन में गेमिंग लैपटॉप्स के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल लगाए जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा पावर ड्रॉ करने वाले होते हैं किसी भी नॉर्मल लैपटॉप के कंपैरिजन में, तो इस वजह से गेमिंग लैपटॉप जो हैं वो बैटरी को ज़्यादा कंज्यूम करते हैं सेम कैपेसिटी या फिर सेम से थोड़ी ज़्यादा कैपेसिटी बैटरी लगने के बाद भी। लेकिन इन दूरियों को मिटाने की कंपनियाँ पूरी कोशिश कर रही हैं, जैसे कि रिसेंट टाइम में आपने देखा होगा जेफ्रस G14 जहाँ आपको काफ़ी बड़ी बैटरी 76 वाट आवर की बैटरी देखने को मिलती है, और Asus TUF का 1 लाख वाला वेरिएंट जो है उसमें भी आपको 90 वाट आवर की बैटरी देखने को मिलती है जो बैटरी बैकअप अच्छा प्रोवाइड करती है। तो कंपनियां पूरी कोशिश कर रही हैं दूरियां मिटाने की और स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा गेम कैसे खिलवाया जाए ये तैयारी करने की। अगर आप भी एक स्टूडेंट है और कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले पढ़ाई ना करने का पूरा इंतजाम करना चाहते हैं तो आप एक गेमिंग लैपटॉप ले सकते हैं। वैसे मैंने अपनी कॉलेज लाइफ में ना के बराबर गेम खेला है, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता था गेम खेलने का, और हमारे पास जो लैपटॉप था वो भी सादा था जिस पे हम गेम ज़्यादा नहीं खेल सकते थे। हालांकि थोड़ा बहुत गेम खेला है वो तो खैर सभी करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा गेम नहीं खेला है। मेरे पास जो लैपटॉप था, मैं आपको बताता हूँ, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, मुलायम सिंह जी की देन थी वो दोस्तों, और खैर वादे तो पूरे हो ही गए थे और उन्हीं वादों के अनुसार हमें वो लैपटॉप मिला था, और वो लैपटॉप यूज़ करने के बाद हमें पता चला कि लैपटॉप क्या कैसा होता है। उससे पहले मैंने बहुत ज़्यादा डेस्कटॉप ही यूज़ किए थे, लैपटॉप ना के बराबर बहुत कम चलाए थे, तो उसके बाद से मैंने सीखना शुरू किया और ज़्यादा डिटेल में, और मेरा जो लैपटॉप था तो मैं अच्छे अच्छे लैपटॉप्स को मात दे दिया करता था उस लैपटॉप से, मैंने उसे पूरा कस्टमाइज़ कर दिया था, काफ़ी चीज़ें उसमें लगा दी थी। खैर इसकी बातें करने तो हम बैठे नहीं हैं,
दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं आपको बता दूं, दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है गेमिंग लैपटॉप्स का, कि वो गेमिंग लैपटॉप जो भी आप ले रहे हैं वो बल्कि होते हैं, तो कॉलेज यूज के लिए थोड़े से अनकंफर्टेबल हो सकते हैं। तो अगर आप एक गेमिंग लैपटॉप ले रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि आप एक थोड़ा सा हल्का लैपटॉप लीजिए, क्योंकि जब आप इसे अपने बैग में डालेंगे तो ये ऑलमोस्ट 2.3 केजी का एक लैपटॉप है, तो इतना वजन अगर आप अपने बैग में डाल के घूमेंगे तो, और उसके साथ में बुक्स भी आपको रखनी होंगी, तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा जल्दी थक सकते हैं। वैसे अगर आपने बचपन में बहुत बॉर्नविटा पिया है तो आप ये एक गेमिंग लैपटॉप क्या है, ऐसे 4-6 लैपटॉप तो उठा ही लेंगे। सो खैर, ये तो कोई इतना बड़ा चैलेंज नहीं है, आप में से ज़्यादातर लोग इस बात से एग्री करेंगे, आप बोलेंगे अरे ये क्या इतना वजन, हम तो कुछ भी उठा लेंगे। वैसे दोस्तों, मैं इस फैक्टर को कंसीडर करता हूँ क्योंकि मैं इतना शक्तिशाली तो हूँ नहीं, तो मैं इस फैक्टर को मानता हूँ, भाई मुझे बहुत ज़्यादा भारी लैपटॉप पसंद नहीं है पोर्टेबिलिटी के हिसाब से। और अगर आप भी इस फैक्टर को दिमाग में रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। गेमिंग लैपटॉप्स में आजकल RGB लाइटिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है और कीबोर्ड तो RGB वाले आते ही हैं, तो अगर आप अपने क्लास को डिस्को बनाना चाहते हैं तो आप डिस्को मचाने के लिए एक गेमिंग लैपटॉप ले सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल से कनेक्टेड हैं गाइस, तो हो सकता है आप कोई इंजीनियरिंग कोर्स कर रहे हो, उसके लिए आपको लैपटॉप चाहिए हो, तो प्रोबेबिलिटी ये है कि आपको जो लैपटॉप चाहिए होगा आप उस पर प्रोग्रामिंग भी करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मेरे पास यही आते हैं कि हमें प्रोग्रामिंग करनी है गेमिंग लैपटॉप पे। सो गेमिंग लैपटॉप पे प्रोग्रामिंग करते हुए आपको क्या चैलेंजेस फेस होंगे ये मैं आपको बताता हूँ। गेमिंग लैपटॉप पे जब आप प्रोग्रामिंग करने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ये समझना होगा कि प्रोग्रामिंग करते वक्त आपका जो लैपटॉप है वो थोड़ा सा हल्का होना चाहिए, क्योंकि प्रोग्रामिंग आप मोस्टली करोगे अपनी लैप में लैपटॉप रख के, या फिर किसी डेस्क पे भी बैठ के अगर आप प्रोग्रामिंग करते हो, या फिर आप जाते हो किसी कोचिंग सेंटर में, आप वहाँ जा कर के अपनी प्रोग्रामिंग सीखना चाह रहे हो, तो बेसिकली आपको ट्रैवलिंग का काफ़ी काम तो करना ही होगा। और कई बार ऐसे मौके पड़ेंगे कि आपको कहीं बाहर ही बैठ के अपने लैपटॉप को यूज़ करना पड़ेगा प्रोग्रामिंग के लिए, या फिर कॉलेज के कहीं बाहर गार्डन वगैरह में आप बैठेंगे, तो आपको ऐसा लैपटॉप चाहिए जो लैपटॉप जो है ज़्यादा हीट जनरेट ना करे और किसी भी ऐसे एरिया में रख करके आप उसे यूज़ कर पाएँ। वैसे आप अगर बैटरी पावर पर ही यूज़ करोगे तो गेमिंग लैपटॉप कोई एक्स्ट्रा हीट तो जनरेट करने वाला है नहीं, लेकिन एक चीज़ आपको दिमाग में रखनी होगी कि गेमिंग लैपटॉप जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा ओपन वेंट्स के साथ आता है। जैसे इसमें पीछे साइड आपको ज़्यादा ओपन वेंट्स तो नहीं दिखेंगे, लेकिन मार्केट में अब जो लैपटॉप आ रहे हैं वहाँ पर आपको पीछे काफ़ी खुला एरिया देखने को मिल जाएगा, मतलब ये पूरा एरिया खुला रहता है गेमिंग लैपटॉप्स का। तो बेसिकली ये जो एरिया ओपन किया गया है ये इसीलिए ओपन किया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एयर का इंटेक हो पाए। अब दोस्तों, एयर इंटेक होगी तो इंडिया में डस्ट का इंटेक ना हो तो ये तो पॉसिबल नहीं है। डस्ट ज़रूर एंटर करेगी, और अगर आप कहीं पर भी किसी भी सरफेस पे रख करके अपने लैपटॉप को इस्तेमाल करेंगे, कहीं कॉलेज में या कहीं पर भी ट्रैवलिंग में यूज़ करेंगे गेमिंग लैपटॉप को, वैसे ट्रैवलिंग का मेरा मतलब यही है कि मैं कहीं आपको मनाली शिमला जाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बेसिकली आपको यही बोल रहा हूँ कि अगर आप कॉलेज में भी अगर लेकर के जाते हैं डेली लैपटॉप तो वो भी एक प्रकार की ट्रैवलिंग ही हुई। तो अगर आप ऐसी जगहों पे लैपटॉप्स को यूज़ करेंगे तो ये गेमिंग लैपटॉप आपके डस्ट ज़्यादा पकड़ेंगे, और जितनी ज़्यादा डस्ट पकड़ेगा गेमिंग लैपटॉप उतनी जल्दी उसे सर्विसिंग की ज़रूरत पड़ेगी। वैसे इन सारी कमियों के बाद भी अगर आज मुझे अपने लिए, अपने कॉलेज के लिए कोई लैपटॉप चूज़ करना होता तो मैं गेमिंग लैपटॉप ही चूज़ करता, क्योंकि अगर आप फ्लॉन्ट करने में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं, आप अपने दोस्तों के साथ कंपटीशन करना चाहते हैं कि मेरा लैपटॉप ये कर सकता है, मेरा लैपटॉप वो कर सकता है, तो फिर आपके लिए गेमिंग लैपटॉप बना है। क्योंकि लैपटॉप्स की कैटेगरी में अगर आप सबसे ताकतवर कंप्यूटर की बात करेंगे तो वो गेमिंग लैपटॉप ही है। गेमिंग लैपटॉप ही आपको वो पावर ऑफर करता है, मतलब सारे तरह के टास्क आपको करवा देगा, जो भी टास्क आप करना चाहते हैं, चाहे कोई वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड, कोई कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड, या फिर A to Z आप कोई भी सॉफ्टवेयर चलाना चाहते हो तो गेमिंग लैपटॉप आसानी से चला सकता है। मतलब ऐसा कोई काम नहीं है जो गेमिंग लैपटॉप नहीं कर सकता। अगर कोई थिन एंड लाइट लैपटॉप कोई काम कर सकता है तो वो सारे काम एक गेमिंग लैपटॉप डेफिनेटली कर सकता है। अब इसमें भी कोई डाउट वाली बात नहीं है कि किसी भी नॉर्मल लैपटॉप के कंपैरिजन में गेमिंग लैपटॉप काफ़ी महंगे होते हैं, लेकिन दोस्तों गेमिंग लैपटॉप महंगे होने के बाद भी अपने प्राइस को जस्टिफाई करते हैं
हैं ऐसा मैं बोलूँगा। बहुत ज़्यादा महंगे लैपटॉप्स की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप 60-70 या फिर 80,000 तक के लैपटॉप्स की अगर आप बात करते हैं तो वो अपने प्राइस को जस्टिफाई करते हैं, क्योंकि जिस तरह की परफॉर्मेंस वो ऑफर करते हैं वो अपने प्राइस को जस्टिफाई करते हैं। डेस्कटॉप से अगर आप कंपेयर करोगे इन लैपटॉप्स को तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पीछे रह जाएंगे, लेकिन आफ्टर ऑल आज की डेट में एक लैपटॉप्स के अंदर जितनी ज़्यादा पावर भरी जा सकती है कंपनीज ऑलरेडी उस पावर को फिल कर रही हैं गेमिंग लैपटॉप में और ताकतवर बना रही हैं गेमिंग लैपटॉप। सो दोस्तों फाइनल एडवाइस मेरी आपको यही रहेगी, अगर आप स्टूडेंट हैं तो दो ही प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं अगर आप एक गेमिंग लैपटॉप बाय कर रहे हैं। एक हो सकता है उस लैपटॉप का भारी हो जाना और दूसरा हो सकता है उस लैपटॉप का कम बैटरी बैकअप देना। तो बैटरी बैकअप की प्रॉब्लम तो आप फिक्स कर सकते हो अगर आप कोई एक हैवी बैटरी वाला लैपटॉप ले लेते हो, और दूसरी उसकी जो बल्कीनेस है वो आपकी ख़त्म हो सकती है अगर आप 14 इंच के गेमिंग लैपटॉप के साथ जाते हैं। तो 14 इंच के जो गेमिंग लैपटॉप होते हैं वो काफ़ी थिन एंड लाइट होते हैं और कॉलेज यूज़ के लिए सुटेबल होते हैं, परफेक्ट होते हैं। उनमें से एक लैपटॉप रिसेंटली जो पूरी ताकत के साथ आया है लैपटॉप वो है Zephyrus G14, क्योंकि वहाँ डिस्प्ले भी अच्छा है, बैटरी भी अच्छी है, लैपटॉप पोर्टेबल भी है, एल्यूमिनियम में बना हुआ लैपटॉप है, तो बहुत सारी उसकी स्पेशलिटीज़ हैं। तो मैं उस पर्टिकुलर लैपटॉप की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि उस तरह के लैपटॉप जो फ्यूचर में भी आएंगे मैं उन सारे लैपटॉप्स की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा मुझे नहीं लगता दोस्तों कि कोई भी और चीज़ आपको परेशान कर सकती है गेमिंग लैपटॉप्स में अगर आप गेमिंग लैपटॉप को कॉलेज यूज़ के लिए रखते हैं। तो मेन सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, हमें सपोर्ट करिए सब्सक्राइब करके, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियोज़ आपको टाइम से मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।